साहब ने अब भी तक अपने ईद के ना कपड़े लिए हैं ना शूज लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं और कारी साहब भी ठीक है। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज क्योंकि आज हम अपनी मस्जिद का कारपेट लेने के लिए आए हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। चेक करें, जो आपको पसंद आएगा ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा कारी साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इनके ऊपर बच्चों ने भी बैठना है, बच्चों ने पढ़ना भी है और गर्मियों में पसीना भी आना है, तो वो खुद चेक करके खुद ले। जो है ना भाई साहब कटिंग कर रहे हैं, फरमाइश जो कारी साहब ने दी है अपनी मस्जिद की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आज पैसे कारपेट की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद कारपेट में बिछा रहे हैं, है ना जी, इनका अजर, इसका सवाब अल्लाह ताला हमें क्यामत वाले दिन दे। तारीख गवाह है कितने पैसे वाले लोग गए और चले गए दुनिया को छोड़ के, हमने भी चले जाना है। इसलिए हमें इस छोटी सी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमें उसका सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के घर को अच्छा बना रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे घरों को अच्छा बनाए। पैसा सबके पास है लेकिन खर्च अल्लाह के राह पे कोई कोई करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको और मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम अल्लाह के घर का कारपेट दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसे ज़्यादा हैं। हाँ, ना ही मेरे पास इतने थे ना ही कारी साहब के पास। कारपेट सबसे ज़्यादा मुश्किल था लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हो गया। रिक्शे वाला भाई साहब भी आ गया है। रिक्शे वाले भाई साहब का किराया भी दे दें इंशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारा कारपेट जो है ना वो साथ, माशाल्लाह हमारी बिजली की फिटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम उधर चले गए थे कारपेट लेने के लिए और बिजली की फिटिंग करने वाले भाई साहब लगे रहे माशाल्लाह। अब जो है ना ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है जो भाई साहब वो अभी इंशाअल्लाह ताला कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये साइड भी पूरी आ गई है। हम जो ये जो टुकड़ा काट रहे हैं ये दरमियान में आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब ठीक है, अब ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। ये जो है ना मैं जी आपको फाइनल लुक दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से, कारपेट हमारा बिछ चुका है। ये देखिए आप माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा जो है ना लग रहा है। प्लीज़ जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करी साहब अल्लाह ताला हमारा दुरूद पाक पढ़ा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। भाई भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मस्जिद की पेंट भी हो गई और प्लास्टर भी हो गया और ये बिजली की फिटिंग भी माशाल्लाह, ये देखें ये मुकम्मल हो चुकी है, ये देखें ये लाइटें अब चल रही हैं जो पंखे चल रहे हैं माशाल्लाह। कारपेट रहता था हमारा, ये भी आज मुकम्मल हो गया, कारपेट भी हमारा आज मुकम्मल, काम बिल्कुल हमारा फाइनल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद की अंदर से फिटिंग, बिजली की फिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और बाहर से जितनी रहती है वो भाई साहब जो है ना कर रहे हैं। अंदर कारपेट भी हो गया है माशाल्लाह से,
रब्बुल आलमीन तमाम की तमाम तर परेशानियाँ दूर फरमा। रब्बुल आलमीन मालिक मौला दोनों जहान में इसका नेमल बदल अता फरमा। दोनों जहान में तमाम को इस्तें अता फरमा। रब्बुल आलमीन मालिक मौला तमाम के लिए यह बख्शिश का ज़रिया और सदका जारिया बना। रब्बुल आलमीन इस मस्जिद को ता क़यामत आबाद और शाद फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम के लिए और तमाम दोस्त साहिबान जो ने तामन किया उनके लिए ये मस्जिद सदका जारिया और बख्शिश का जरिया बना। आमीन। अल्लाह आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहाँ से लेने हैं मैंने बच्चों के लिए कायदे सिपारे और कुरान मजीद, वही लेने के लिए आया हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ये मिल जाते हैं, अभी इसमें कम है, भाई साहब जो है ना वो लेने के लिए गए हुए हैं, तो जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर मदरसे में चलते हैं, बच्चों को कुरान मजीद देते हैं इंशाल्लाह ताला। अब जो है ना मैं पहुंच चुका हूं हाफिज़ साहब मस्जिद में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की कितनी तादाद है माशाल्लाह। तो लास्ट टाइम हाफिज़ साहब ने मुझे फरमाया था कि बच्चों के पास कुरान मजीद कम है और नूरानी कायदे और सिपारों की ज़रूरत है बच्चों को, तो इसलिए आज मैं ले कर आ गया हूँ। हाफिज़ साहब, आप जिन जिन बच्चों के नूरानी कायदे सिपारे कुरान मजीद नहीं है, आप ख़ुद दें अपने हाथों से उन बच्चों को, आप दे बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबाज भाई आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। कारी साहब जिन बच्चों का कहेंगे उन बच्चों को आपने देते जाना है। अच्छा, इस बच्ची का जो है ना सिपारा नहीं था, ऐसे बैठी थी, चलो शुक्र है। कुरान मजीद किस बच्ची को? अच्छा माशाल्लाह ये बड़ी बच्ची है, इसका कुरान मजीद नहीं था। ये बेटा आपका कुरान मजीद आ गया, ठीक है माशाल्लाह। अब आपने कुरान मजीद को हिफ्ज करना है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अच्छा इस बच्ची का ये देखें, ये कायदा बिल्कुल शहीद है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर बच्ची किस तरह पढ़े, ठीक है बेटा आज से आपका न्यू कुरान मजीद हो गया, ठीक है अब इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इस बच्ची का नहीं है, आपका सिपारा है। अच्छा उस लाइन में कौन से बच्चे रहते हैं? अच्छा ये बच्चे बैठे हैं, इनका कायदा नहीं है। ये बेटा आपका कायदा हो गया, ठीक है माशाल्लाह। आपका सिपारा है या कायदा? जी कायदा आपका आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इस बच्चे का भी आ गया, वाह भाई वाह। ये आपने अपनी कैब इस तरह पहननी है, ठीक है आगे से बाल नजर ना आए। ये शहीद कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, चलें जी इनको दें हाफिज़ साहब फिर, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ये आपने रख देने हैं, ठीक है ये उधर मस्जिद में किसी कार्टन के अंदर पैक करके रखें, फिर जो है ना हाफिज़ साहब ये जो शहीद कैदे हैं ना ये वाले, इनको आपने दफना देना है जी। इस बच्चे का अल्लाह अकबर, ये देखें इस बच्चे का ये कैदा था, चलें जी हाफिज़ साहब करके सब। और इस बच्ची का भी नहीं है, ये भी बेटा आपका नहीं है। आप क्या पढ़ती हैं? हाँ आपका नाम क्या है? वरीशा। माशाल्लाह आपका कायदा नहीं है। अच्छा अभी देते हैं इस बच्ची को भी दें, ये साथ बैठी इस बच्ची का कुरान मजीद देखें, शहीद कुरान मजीद है। अच्छा शुक्र है मेरा वुजू है, मैं हाथ लगा सकता हूँ, जब मैं कुरान मजीद ले आया था इसलिए मैंने वुजू कर लिया था। न्यू कुरान मजीद हो गया, ठीक है ठीक है। अब शहीद कुरान मजीद को आप जो है ना उधर बिठा दें, इसका ये देखें इस बच्ची का कुरान मजीद, ये ठीक है बेटा आप? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए मेरा बेटा, ठीक है। शबाज भाई अच्छा ये टॉफियां था बेटा, आपने टॉफी अगर खानी है ना तो वेपर्स आपने बाहर फेंकना, इधर नहीं फेंकना, ठीक है। ए जड़े चिल्ला रहे, ठीक है सदियात के बच्चे हैं, मासूम से बच्चे, क्या पता इनको, चलो ठीक है। ये जो टॉफी पैक हुई है ना, ठीक है इस टॉपर में, ठीक है इसमें, ठीक है इसे वेपर कहते हैं, इसे आपने बाहर फेंक देना, जल्दी कर जल्दी कर। शबाज भाई जल्दी करो, आपकी तनख्वाह कितनी है? 2000। सिर्फ मंथली जो हाफिज़ साहब की तनख्वाह है वो 2000 रुपया है। अब आप खुद सोचें क्या आज के दौर में 2000 पैसे भी गुजारा होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 420 रुपए का 1 किलो घी मिलता है,
आप खुद सोचें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मुअल्लिम, मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। तो ये उस्ताद हैं, ये सही हकदार हैं। ईद की शॉपिंग वगैरह की है, अभी तक जो है ना ईद की शॉपिंग भी सारा दिन इतने बच्चों को हाफिज साहब पढ़ाए और उसने अभी तक ईद के ना ही कपड़े लिए हैं ना ही शूज लिए हैं। कितनी अजीब सी बात है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हाफिज साहब की मदद फरमाएं। एक तो मैं चाहता हूं इनको मंथली जो है ना इतने बच्चों को पढ़ाने वाला खुद जो है ना भूखा बैठा रहे तो ये गलत बात है। आप और मुझे पहले नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, मुझे पता चला, मैंने आगे आप तक मैसेज पहुंचा दिया है। अब अगर हमने हाफिज साहब की मदद नहीं की तो हमें गुनाह होगा। औलाद नहीं है ना, अल्लाह ताला हमको नेक साले औलाद अता फरमा। औलाद नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हों को औलाद की थी हजूर पाक की शरीयत पे अमल कर रहा है, या अल्लाह हमारा हुजूर पाक के नक्शे कदम पे चल रहा है, या अल्लाह सतमाम को पांच वक्त नमाज दे रहा है, या अल्लाह इन माह मुकद्दस की कदर करने की तौफीक नसीब अता फरमा। برحمتك يا رب العالمين لا اله الا انت। ए भाई हमारी सफ़े मस्जिद की नहीं है, ईद आने वाली है, सफ़ों की बहुत ज़रूरत है। मुझे आप दिखा दें आपकी सफ़े हैं नहीं बिल्कुल जी। अच्छा कितनी सफ़े हैं? एक दो और तीन, तीन सफ़े जी। चलें जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर करते हैं। तीन सफ़े तो हाफिज़ साहब जो है ना मुझे मस्जिद के अंदर लेके आए हैं अपनी मस्जिद के अंदर, तो फरमा रहे हैं कि तीन सफ़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो है ना सफ़े इनकी फटी हुई है ना तो इनकी प्रॉब्लम ये होती है, एक तो जब सजदा देते हैं तो पाँव को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, और दूसरी बात यह है कि मस्जिद के अंदर गंद मचा हुआ है। ये आप देखते हैं जितनी भी सफाई करें सफाई नहीं होती, तो तीन सफ़ों की ज़रूरत है। जो भाई वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ सवाब के लिए अगर आप रखवाना चाहते हैं तो ज़रूर रखवाएँ। लास्ट टाइम मैंने इस मस्जिद की वीडियो बनाई थी, इस मस्जिद के लिए जो है ना फ़र्श की ज़रूरत है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के लिए जो इलाके वाले हैं वो गरीब हैं इसलिए फ़र्श नहीं लगवा सकते, पैसे इतने नहीं हैं कि फ़र्श लगवाएं। फ़र्श के ऊपर तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये तो खर्चा आ ही जाएगा अंदर से और बाहर से। प्लीज़ आपसे गुजारिश है, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन किसी बहन ने मदद नहीं की, तो आप मदद करें। जो है ना मुझे लेके आए हैं अपनी जो है ना मस्जिद की एक ही वाशरूम है, वो दिखा रहे हैं कि फरमा रहे हैं कि इसका जो है ना दरवाज़ा भी लगा हुआ नहीं है, डोर लगवाना चाहते हैं और हवा जब चलती है। जी क्या हुआ इसे? अल्लाह अकबर, ये पता नहीं है कब गिर जाए। प्लीज़ मदद फरमाएं इस मस्जिद के लिए, हाफिज़ साहब के लिए इनको ज़रूरत है। हाफिज़ साहब फरमा रहे थे मुझे कि जब हम वाशरूम जाते हैं तो हवा से कपड़ा जो है ना उड़ जाता है और बेपर्दगी होती है, बहुत हमें जो है ना शर्म आती है। हाफिज़ साहब आप परेशान ना हो, ठीक है आप चलें बच्चों को पढ़ाएं इंशाल्लाह ताला। इतने बच्चों को पढ़ाने वाले हाफिज़ साहब जो दिन रात इन बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन ईद की अभी तक शॉपिंग नहीं की, ना ही कपड़े ले सके हैं और ना ही शूज़ अपना ले सके हैं। वैसे तो इंसान न्यू कपड़े नहीं पहनता तो खैर है लेकिन ईद पर हर इंसान यही सोचता है कि मेरा न्यू सूट हो। दीन की खिदमत करने वाला असल हीरो यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताद थे और ये भी उस्ताद है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है, उनको फॉलो करने वाले हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ हाफिज़ साहब उदास हैं, इनके लिए और कुछ नहीं
5,000 की आप ज़रूर मदद करें हाफिज़ साहब की, ताकि हाफिज़ साहब अपने ईद के कपड़े और शूज़ ले सकें और आपके लिए दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप अगर हाफिज़ साहब को पैसे भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से भेजें, ताकि हाफिज़ साहब इंशाल्लाह, आप जैसे ही पैसे भेज रहे हैं मैं हाफिज़ साहब इंशाल्लाह हाफिज़ साहब की शॉपिंग करके आपके साथ अगली वीडियो शेयर करूंगा। आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि जो पैसे हाफिज़ साहब के लिए हमने भेजे हैं हाफिज़ साहब की ईद की शॉपिंग हो गई है। और इंशाल्लाह हाफिज़ साहब हमेशा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ करते रहें।